सरफेस टेंशन, इस फिनोमिना को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे. लेट अस डिफाइन सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का सिंबल होगा टी, कैपिटल टी. टू डिफाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, लेट अस टेक सम लिक्विड इन अ कंटेनर. तो ये एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को फिल किया. इट मे बी वॉटर. ये होगा लिक्विड का फ्री सरफेस, ये होगा लिक्विड का फ्री सरफेस. अगर कंटेनर सिलेंड्रिकल है तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा. अगर ये कंटेनर सिलेंड्रिकल है तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा. इसका मतलब लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा वो भी सर्कुलर होगा. तो दिस इज फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर. सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ एल. सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ एल. तो ये हो गया एक इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ एल. नाउ इस इमेजिनरी लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, these molecules will experience cohesive force of attraction on both the sides. Because इस लाइन के दोनों तरफ भी मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो दोनों साइड पे होंगे वो क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे. तो जो मॉलिक्यूल्स इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर होंगे, दीज मॉलिक्यूल्स विल एक्सपीरियंस कोहेसिव फोर्सेस ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑन आइदर साइड. अभी इसी डायग्राम को मैंने देखो यहां पे अलग से ड्रॉ किया है. तो ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कल है, ये मैंने वापस यहां पे ड्रॉ किया. अब ये डायग्राम होगा टॉप व्यू का, मतलब इस सरफेस को हम लोग यहां से ऑब्जर्व करेंगे टॉप से, तो हमको पूरा सर्क्यूलर फ्री सरफेस दिखाई देगा. तो ये होगा लिक्विड का फ्री सरफेस जो सर्क्यूलर होगा, ये वाला सरफेस, इसको मैंने टॉप से ऑब्जर्व करना है. एंड दिस इज इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सर्फेस. तो यह हो गया एक इमेजिनरी लाइन हूज लेंथ इज एल. तो जो मॉलिक्यूल्स इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर होंगे, दीज मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग ऑन द इमेजिनरी लाइन विल एक्सपीरियंस कोहेसिव फोर्सेस ऑन आइदर साइड. और ये फोर्स कौन अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग ऑन दिस साइड एज वेल एज दिस साइड. अभी ये जो फोर्स एड कर रहा है इस इमेजिन लाइन पे, ये जो फोर्स एड कर रहा है, ये फोर्स होगा राइट एंगल टू द इमेजिनरी लाइन. तो मतलब दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द लाइन, एंड दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन. और ये जो फोर्सेस होंगे ये लिक्विड के सरफेस को टेंजेंशियल होंगे. Try to understand, ये जो फोर्सेस इमेजिनरी लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, दीज फोर्सेस आर टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस बट दे आर परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन. तो इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, का मतलब इस लाइन के एक तरफ जो फोर्स है ना, टोटल फोर्स वो एफ है. And if L is the length of the imaginary line, the surface tension of the liquid is force upon length. Then surface tension of the liquid is defined as force per unit length. यहाँ पे F होगा force acting on one side of the imaginary line, और L होगा length of the imaginary line. If F is force acting on one side of the imaginary line, तो दूसरे साइड पे भी उतना ही फोर्स एक्ट करेगा. तो टोटल फोर्स कितना हो गया, एफ प्लस एफ. रिजल्टेंट फोर्स नहीं, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा, बिकॉज दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को नहीं काउंट कर रहे, हम लोग टोटल फोर्स काउंट कर रहे हैं. तो टोटल फोर्स का मतलब लेफ्ट साइड फोर्स प्लस राइट साइड फोर्स. तो टोटल फोर्स होगा टू एफ. तो टोटल लेंथ कितना होगा, टू एल. बिकॉज लेंथ हमको यहां से भी काउंट करना है, लेंथ हमको यहां से भी काउंट करना है, बिकॉज दोनों लेंथ पे ये फोर्सेस ऐड करेंगे. तो अगर
इस लाइन का टोटल फोर्स काउंट करेंगे तो टोटल फोर्स होगा 2F, और इस लाइन का अगर टोटल लेंथ काउंट करेंगे तो टोटल लेंथ होगा 2L, बिकॉज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बोथ द साइड। बट अगर सिर्फ एक साइड का फोर्स काउंट करेंगे और सिर्फ एक साइड का ही लेंथ काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा F अपॉन L, सरफेस टेंशन होगा F अपॉन L। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है? एट राइट एंगल ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। ये फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं? ऑन आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब ऑन बोथ द साइड, एंड दे आर एट राइट एंगल टू द इमेजिनरी लाइन। और ये लाइन कहां पे ड्रॉ किया है? ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन होज लेंथ इज एल, तो अगर सिर्फ एक साइड का टोटल फोर्स, ये सब फोर्स जो है वो मिला के अगर टोटल फोर्स एफ हो रहा है, और एक साइड का अगर लाइन का लेंथ एल है, तो सरफेस टेंशन टी होगा फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन टी होगा फोर्स अपॉन लेंथ। यहां पे एफ होगा फोर्स एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ द इमेजिनरी, और एल होगा लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन। अगर टोटल फोर्स की बात करेंगे तो भी हमको फॉर्मूला वही मिलेगा, बिकॉज टोटल फोर्स होगा 2F, है ना, दोनों तरफ का फोर्स अगर एड करेंगे तो टोटल फोर्स होगा 2F एंड टोटल लेंथ होगा 2L, तो 2F अपॉन 2L, वापस आपको F अपॉन L ही मिलेगा। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब न्यूटन पर मीटर, तो SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डाइम पर सेंटीमीटर, फोर्स डाइम में लेंथ सेंटीमीटर, तो इट इज डाइम पर सेंटीमीटर। डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, और लेंथ का डायमेंशन l1 होगा, तो l1 कैंसिल होगा, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा m1 t-2। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा m1 t-2। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, एंड दीज आर यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज पर्पस के लिए अभी हम लोग थोड़ा कैलकुलेशंस करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूले। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, अलग अलग बॉडीज होंगे, ये वॉटर के सरफेस पे फ्लोट करेंगे, तो उन बॉडीज को हमको क्या करना है? वहां से ऊपर उठाना है। बॉडीज आर प्रेजेंट ऑन द वॉटर सरफेस, वी वॉन्ट टू लिफ्ट दीज बॉडीज, तो इन बॉडी को वॉटर सरफेस से लिफ्ट करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है, और इन बॉडीज पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस कितने एड करेंगे वो भी हम लोग साथ में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा नीडल, नीडल या पिन, एंड लाइक एल बी द लेंथ ऑफ द नीडल। तो ये बच्चों मान लो वाटर सरफेस है, जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया, दिस इज वाटर सरफेस, तो ये वाटर सरफेस है, और इस वाटर सरफेस पे हमने एक रखा है नीडल, तो ये नीडल है, एंड दिस नीडल इज केप्ट ऑन द वाटर सरफेस, तो ये पूरा वाटर सरफेस है और ये नीडल है, और नीडल जो है वो वाटर के सरफेस पे ऐसे फ्लोट कर रहा है। लेट एल बी द लेंथ ऑफ दिस नीडल, जो मैंने यहां पे देखो डायग्राम में ड्रॉ किया, ये नीडल है, इसका लेंथ एल है, एंड इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। तो जब भी हम लोग इस नीडल को मिनिमम फोर्स अप्लाई करके लिफ्ट करेंगे तो नीडल के दोनों तरफ वाटर होगा, है ना, नीडल के इस तरफ भी वाटर है, नीडल के इस तरफ भी वाटर है, तो इस वाटर का जो सरफेस टेंशन होगा वो सरफेस टेंशन इस नीडल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
and that is force due to surface tension. तो force due to surface tension इस side से भी add करेगा और इस side से भी add करेगा, because needle के दो length होंगे और साथ में इस needle का एक weight भी add करेगा. तो इस needle का जो weight होगा वो भी कहां पे add करेगा, downward direction में. तो यहां पे forces acting on the needle is F. ये F क्या है, force due to surface tension. Because needle के दोनों side पे water है और ये वॉटर क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दिस एफ इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग डाउनवर्ड और डब्ल्यू होगा इसका वेट. तो सरफेस टेंशन फोर्सेस दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो मुझे दोनों साइड का लेंथ यहां पे काउंट करना पड़ेगा. तो इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एस टी का मतलब सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है टी मल्टीप्लाई बाय एल, बिकॉज सरफेस टेंशन इज एफ इंटू एफ अपॉन एल. तो एफ होता है टी इंटू एल, बट यहां पे एल होगा टोटल लेंथ. ये एल जो होगा ना वो होगा टोटल लेंथ इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड. तो इस पिन का टोटल लेंथ कितना है जो लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है, तो एल प्लस एल दैट इज इक्वल टू टू एल. तो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग डाउनवर्ड इज 2TL, बिकॉज सरफेस टेंशन के फोर्सेस यहां से भी ऐड करेंगे और यहां से भी ऐड करेंगे. अगर इस निरल की बात करें तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस जो होंगे, सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस होंगे इस निरल पे यहां से भी ऐड करेंगे और यहां से भी ऐड करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड. इस साइड से भी ऐड करेंगे और इस साइड से भी ऐड करेंगे. तो यहां से कितना फोर्स होगा TL, यहां से कितना होगा TL, दोनों मिला के हो जाएगा 2TL. ठीक है. और अगर मुझे इस नीडल को, ये नीडल वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तो अगर मुझे इस नीडल को ऐसे लिफ्ट करना है, फ्रॉम द वाटर सरफेस को लिफ्ट करना है, तो मुझे कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स. तो वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम वाटर. तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट एफ डैश, एफ डैश विल बी कॉल्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्लस वेट. तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस नीडल को ऐसे ऊपर लिफ्ट करने के लिए, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्लस डब्ल्यू. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन 2TL है और डब्ल्यू होगा उसका वेट. सो दिस इज फोर्स रिक्वायर्ड टू, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द नीडल आउट ऑफ द वॉटर सर्फेस. एंड ये होगा सिर्फ फोर्स ऑफ सर्फेस टेंशन, इट इज 2TL. यहां पे टू फैक्टर क्या हो गया, बिकॉज फोर्सेस विल एक्ट ऑन बोथ साइड. अभी सेकंड ऑब्जेक्ट होगा थिन रिंग और उस थिन रिंग का रेडियस होगा आर. तो एक थिन रिंग हम लोग कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा थिन रिंग. तो ये बच्चों मान लो थिन रिंग है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है. ये रिंग भी ऐसे वॉटर के सर्फेस पे हमने रख दिया है. तो रिंग इज फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सर्फेस, ये वॉटर का सर्फेस है और ये जो रिंग है ये वॉटर के सर्फेस पे फ्लोट कर रहा है. जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया, तो ये वॉटर है और ये रिंग है. अभी इस रिंग को भी हमको ऐसे लिफ्ट करना है, इस रिंग को भी ऐसे हमको लिफ्ट करना है. तो हमको मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए. जब भी हम लोग इस रिंग को फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस रिंग के कॉन्टेक्ट में वॉटर होगा. तो इस रिंग के, देखो इस रिंग के अंदर की तरफ भी वाटर कॉन्टेक्ट में होगा और इस रिंग के बाहर की तरफ भी वाटर कॉन्टेक्ट में होगा. तो देयर इज अ वाटर इन कॉन्टेक्ट विद द इनर साइड ऑल्सो एंड आउटर साइड ऑल्सो. तो इनर साइड में भी वाटर कॉन्टेक्ट में होगा और आउटर साइड में भी वाटर कॉन्टेक्ट में होगा. इसका मतलब जब ये रिंग हम लोग वाटर के सर्फेस पर रखेंगे तो सर्फेस टेंशन के फोर्सेस इनर साइड से भी एक्ट करेंगे और सरफेस टेंशन के फोर्सेस आउटर साइड से भी एक्ट करेंगे. तो टोटल लेंथ कितना है अंदर से जहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो टोटल लेंथ इनर साइड से कितना होगा 2πr होगा सर्कमफेरेंस, और बाहर का लेंथ कितना होगा 2πr. तो सरफेस टेंशन फोर्सेस अंदर से भी एक्ट करेंगे और बाहर से भी एक्ट करेंगे. तो टोटल लेंथ हमको काउंट करना है, बिकॉज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है टी मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ. तो यहां पे टोटल लेंथ होगा इनर सर्कमफेरेंस प्लस आउटर सर्कमफेरेंस. इनर सर्कमफेरेंस 2πr होगा, आउटर सर्कमफेरेंस भी 2πr होगा. तो टोटल लेंथ जहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस एड करेंगे विल बी 2 इंटू 2πr, बिकॉज सरफेस टेंशन फोर्सेस इनर साइड से भी एड करेंगे और आउटर साइड से भी एड करेंगे.
तो हमको दोनों साइड के लेंथ काउंट करना है. देयरफॉर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होगा टी मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर. अभी मिनिमम फोर्स कितना होगा रिक्वायर्ड टू पुल द रिंग आउट ऑफ द वॉटर सर्फेस. तो अगर मुझे इस रिंग को वॉटर सर्फेस से बाहर पुल करना है तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो आई हैव टू अप्लाई मिनिमम फोर्स इक्वल्स टू एफ प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू होगा रिंग का वेट और एफ होगा फोर्सेस ड्यू टू सर्फेस टेंशन. तो इस एफ प्लस डब्ल्यू, एफ कितना था टी इंटू 4 पाई आर प्लस डब्ल्यू, इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू लिफ्ट द रिंग आउट ऑफ द वॉटर सर्फेस. तो ये केस नंबर टू, थिन रिंग. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर मेटल फ्रेम. स्क्वायर फ्रेम होगा तो अंदर से हॉलो होगा. लेट एल बी द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड. तो ये एक स्क्वायर फ्रेम है विच इज फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सर्फेस. ये एक स्क्वायर फ्रेम है हुज साइड लेंथ इज एल, इट इज फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सर्फेस. तो इस पे सरफेस टेंशन के कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे और टोटल फोर्स कितना लगेगा इसको लिफ्ट करने के लिए, मिनिमम फोर्स. नाउ सिंस इट इज अ हॉलो फ्रेम, सरफेस टेंशन फोर्सेस विल एक्ट फ्रॉम आउटर साइड एंड सरफेस टेंशन फोर्सेस विल एक्ट फ्रॉम इनर साइड ऑल्सो. ये स्क्वायर फ्रेम जो है ना अंदर से हॉलो है तो सरफेस टेंशन फोर्सेस बाहर से भी एक्ट करेंगे और सरफेस टेंशन फोर्सेस अंदर से भी एक्ट करेंगे. ये एफ, तो ये जो एफ होगा ये ऐसे अंदर से भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड और ये बाहर से भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड. तो टोटल लेंथ कितना होगा जहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट करेंगे, हमको टोटल लेंथ काउंट करना है जहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट करेंगे. तो टोटल लेंथ होगा पेरीमीटर, इनर पेरीमीटर एज वेल एज आउटर पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम होगा 4L. तो 4L इनर लेंथ एंड 4L आउटर लेंथ. तो टोटल लेंथ जहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस एड करेंगे होगा 8L. दिस इज टोटल लेंथ इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड सरफेस, दिस इज टोटल लेंथ ऑन विच द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विल एक्ट. 8L कहां से मिला, 4L इनर पेरीमीटर एंड 4L आउटर पेरीमीटर, दैट्स व्हाई इट इज 8L. तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा टी इंटू 8L. इसका इतना फोर्स एक्ट करेगा सरफेस टेंशन का. और इस फ्रेम को अगर ऊपर लिफ्ट करना है तो मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस वेट ऑफ द फ्रेम. तो इट इज एफ प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू होगा वेट. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर. तो एक डिस्क कंसिडर करते हैं, चलो इसको मान लेते डिस्क. तो ये एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, डिस्क इज सॉलिड. तो ये जो डिस्क है ऐसे वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तो इस पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस कितने एक्ट करेंगे. अभी डिस्क का सिर्फ आउटर लेंथ ही वाटर के कांटेक्ट में होगा बिकॉज इनर लेंथ तो पूरा सॉलिड है, यहां पे तो सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे. तो अगर ये सर्कुलर डिस्क है तो इसके सरफेस टेंशन फोर्सेस से बाहर से एक्ट करेंगे, तो हमको सिर्फ आउटर लेंथ ही कंसिडर करना है, यहां पे इनर लेंथ तो होगा नहीं बिकॉज इनर साइड पे सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे. तो यहां पे सिर्फ हमको आउटर लेंथ कंसिडर करना है बिकॉज डिस्क इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सरफेस टेंशन फोर्सेस सिर्फ बाहर से ही एक्ट करेंगे. तो यहां पे टोटल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो होगा होगा टी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. यहां पे 2 पाई आर होगा उसका आउटर सर्कमफेरेंस, यहां पे सिर्फ आउटर सर्कमफेरेंस ही गिना जाएगा. रिंग के केस में अगर आपको याद होगा सर्कुलर रिंग के केस में हमने इनर लेंथ और आउटर लेंथ को भी काउंट किया था, बट डिस्क के केस में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसमें सिर्फ आउटर लेंथ ही काउंट करेंगे बिकॉज सरफेस टेंशन फोर्सेस सिर्फ आउटर लेंथ पे ही एड करेंगे. तो डिस्क के केस में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा टी मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई आर. यहां पे लेंथ का मतलब आउटर सर्कमफेरेंस. एंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द डिस्क विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्लस उसका वेट. तो ये होंगे नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट, स्क्वायर फ्रेम एंड सर्कुलर डिस्क. अभी जो स्क्वायर फ्रेम के लिए अप्लाई हो रहा है वही रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए भी होगा. जो कंसेप्ट हमने स्क्वायर फ्रेम के लिए अप्लाई किया वही रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए भी होगा. सिर्फ रेक्टेंगुलर फ्रेम में क्या होंगे, लेंथ और ब्रेथ होंगे. रेक्टेंगुलर, अगर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है मान लो तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होगा.
तो यहां पे हमको जो टोटल पेरीमीटर लेना है वो कितना होगा, 2L प्लस 2B इनर पेरीमीटर एंड 2L प्लस 2B आउटर पेरीमीटर। तो रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा तो यहां पे होगा 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B, टोटल लेंथ कितना होगा 4 इंटू एल प्लस डी होगा। ठीक है, तो जो स्क्वायर फ्रेम के लिए कंसेप्ट है वही रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए होगा, सिर्फ वहां पे एल और बी होगा। और जो सर्कुलर प्लेट के लिए हम लोगों ने कंसेप्ट अप्लाई किया है वही हम लोग स्क्वायर प्लेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, या वही हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये स्क्वायर प्लेट होता बच्चों, अगर ये स्क्वायर प्लेट होता, स्क्वायर फ्रेम है, इफ इट इज अ स्क्वायर प्लेट, तो स्क्वायर प्लेट पे सरफेस टेंशन फोर्सेस सिर्फ बाहर से ही एड करेंगे। अगर ये स्क्वायर प्लेट होता तो प्लेट अंदर से सॉलिड होता तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस सिर्फ आउटर से ही एड करेंगे। तो यहां पे स्क्वायर प्लेट के लिए हमको लेंथ कितना देना पड़ेगा, 4L। अगर ये स्क्वायर प्लेट होता, स्क्वायर फ्रेम नहीं, अगर ये स्क्वायर प्लेट होता तो टोटल लेंथ इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड 4L होता। फ्रेम में क्या होता है, हमको अंदर का लेंथ और बाहर का लेंथ दोनों काउंट करना पड़ता है, पर अगर प्लेट होगा तो प्लेट इज सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, तो वहां पे सरफेस टेंशन फोर्सेस अंदर से एड नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर से ही एड करेंगे। तो हमको सिर्फ आउटर लेंथ ही कंसिडर करना है, यहां पे 4L होगा तो यहां पे 4TL प्लस W होता है, इफ इट इज अ स्क्वायर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट होगा। तो ऐसे अलग अलग बॉडीज के लिए वी कैन कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड टोटल मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी आउट ऑफ द वॉटर सरफेस। वी रिक्वायर दिस फॉर्मुले फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल एंड MCQs। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये हमको डिराइव करना है, ये डेरिवेशन है। हमको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था, हमने सरफेस एनर्जी को भी डिफाइन किया था। सरफेस टेंशन टी इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन टी इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, टी इक्वल्स टू एफ ऑन एल, एंड सरफेस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द लिक्विड सरफेस। सरफेस एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ऑन अ लिक्विड सरफेस, इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। तो अभी हमको डिराइव करना है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होगा। उसके लिए देखो सेक्टर को हमने कैसे यहां पे बनाया है, लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर करना है वायर का, इट्स अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ए बी सी डी। तो व्हाट इज ए बी सी डी, इट इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर, ये एक वायर का फ्रेम है ओपन फ्रॉम वन एंड का मतलब ये फ्रेम यहां से ओपन है, देखो यहां पे कोई वायर नहीं है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर फ्रेम ओपन एट वन एंड, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है ओपन फ्रॉम वन एंड। फिर इस वायर फ्रेम के ऊपर हम लोग एक स्ट्रेट स्लाइडिंग वायर भी रखेंगे, तो पी क्यू होगा एक स्ट्रेट स्लाइडिंग वायर। Why do we say sliding wire? Because ये जो PQ होगा, let us consider this as wire PQ. तो ये जो straight wire PQ होगा, whose length is L, let L be the length of the wire PQ. तो ये जो straight wire PQ है, ये wire PQ slide कर सकता है. It is free to slide on the rectangular frame. तो straight wire PQ is free to slide, it can move to the left or to the right. That's why it is a slider wire. PQ kya hai? Ek slider wire hai. It is free to slide without any friction. So without friction, straight wire PQ is free to slide on this rectangular frame. Okay? So PQ hoga ek straight movable wire of length L. So abhi hamare paas jo arrangement hai, wo kya hai?
एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है ए बी सी डी विच इज ओपन फ्रॉम दिस एंड, और इस फ्रेम के ऊपर एक स्लाइडर वायर पी क्यू को हमने रख दिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है और वायर पी क्यू दोनों को एक साथ सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे, रेक्टेंगुलर फ्रेम एंड वायर टुगेदर, इन दोनों को क्या करने का सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे। सोप सॉल्यूशन का मतलब झाग वाला साबुन का पानी, सोप सॉल्यूशन मतलब इट्स अ फोमिंग सोप सॉल्यूशन, एकदम झाग वाला साबुन का पानी में ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट डिप करो और उसको धीरे से लिफ्ट करो। ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है और वायर पी के उसके ऊपर रख दिया है, इस पूरे अरेंजमेंट को एकदम जेंटली क्या करेंगे सोप सॉल्यूशन में डीप करेंगे और उसको धीरे से लिफ्ट करेंगे आउट ऑफ द सोप सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा, एक थीन लेयर बनेगा सोप सॉल्यूशन का इस रीजन में। तो वंस दिस अरेंजमेंट इज डिप्ड इन द सोप सॉल्यूशन एंड जेंटली टेकन आउट, अ थीन लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म इन दिस रीजन। तो वो जो थीन लेयर बनेगा सोप सॉल्यूशन का वो इस रीजन में फॉर्म होगा, किस रीजन में, ए बी क्यू पी। यहां पे सोप सॉल्यूशन का लेयर नहीं बनेगा बिकॉज दिस एंड इज ओपन। तो सच अ थीन लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन जो मैंने यहां पे शेयर किया है, दिस थीन लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सोप फिल्म। तो सोप फिल्म का मतलब इट्स अ थीन लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो एक सोप फिल्म फॉर्म होगा इन द एरिया ए पी क्यू पी, इन द एरिया ए बी क्यू पी, इस एरिया पे सोप फिल्म फॉर्म हुआ है। अब ये जो सोप फिल्म है उसका भी एक सरफेस टेंशन होगा, ये जो यहां पे सोप फिल्म फॉर्म हुआ है, दिस सोप फिल्म विल हैव सम सरफेस टेंशन, एंड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन दिस सोप फिल्म will apply some force on the wire PQ। तो जैसे यहां पे सोप फिल्म का फॉर्मेशन होगा, सोप फिल्म क्या करेगा, इस वायर PQ पे एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। बिकॉज ड्यू टू सरफेस टेंशन एवरी लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। ड्यू टू सरफेस टेंशन एवरी लिक्विड सरफेस हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो दिस सोप फिल्म इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई मिनिमम सर्फेस एरिया, एंड इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई मिनिमम सर्फेस एरिया दिस सोप फिल्म विल पुल द वायर पी क्यू इनवर्ड। सर्फेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए ये जो सोप फिल्म है ये वायर पी क्यू को ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, एंड दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू ड्यू टू सर्फेस टेंशन। और ये फोर्स इनवर्ड क्यों है, बिकॉज सोप फिल्म इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लोग इस फोर्स को फाइंड करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म। तो स्टेप वन देखो, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन फोर्स एफ विल एक्ट ऑन द वायर पी क्यू ट्राइंग टू पुल इट इनवर्ड टुवर्ड्स ए बी, इनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स ए बी। और इस फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, बाय डेफिनेशन सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर फोर्स एफ इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो एफ होगा 3 इंटू एल। अभी ये जो सोप फिल्म यहां पे फॉर्म हुआ है, इस सोप फिल्म के दो सर्फेसेस होंगे। वायर पे जो सोप फिल्म फॉर्म हुआ है, दिस सोप फिल्म हैज टू फ्री सर्फेसेस, इसके दो फ्री सर्फेस होंगे, एक होगा फ्रंट सर्फेस और दूसरा होगा बैक सर्फेस। तो इस सोप फिल्म का एक सर्फेस इसके पीछे भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको सोप फिल्म मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ सोप फिल्म जो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर फॉर्म हुआ है। तो अगर बच्चों ये सोप फिल्म है, तो इस सोप फिल्म के दो सरफेस होंगे, एक होगा दिस सरफेस जो हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, और एक होगा सोप फिल्म का ये वाला सरफेस जो इस डायग्राम में इसके पीछे होगा। तो ये जो सोप फिल्म होगा, दिस सोप फिल्म हैज टू फ्री सरफेसेस, अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस, यहां पे फ्रंट सरफेस एंड द बैक सरफेस।
तो अगर 100 फिल्म के दो सरफेस होंगे तो वायर पी क्यू विल एक्सपीरियंस, चलो एक वायर पी क्यू भी एज्यूम करते हैं, ये समझ लो वायर पी क्यू है। तो अगर 100 फिल्म के दो सरफेसेस होंगे, ये 100 फिल्म है और ये वायर पी क्यू है, और वायर पी क्यू ऐसे रखा है ना 100 फिल्म के ऊपर, है ना, कुछ ऐसा होगा, देखो अरेंजमेंट, दिस इज 100 फिल्म एंड दिस इज वायर पी क्यू। तो अगर 100 फिल्म के दो साइड है तो ये जो वायर पी क्यू है ये एक इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज इनवर्ड फोर्स, तो वायर पी क्यू विल एक्सपीरियंस इनवर्ड फोर्स ड्यू टू दिस साइड एंड वायर पी क्यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इनवर्ड फोर्स ड्यू टू दिस साइड। तो 100 फिल्म के दोनों साइड इस वायर पी क्यू को फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वायर पी क्यू पे एक फोर्स इस सरफेस से लग रहा है और वायर पी क्यू के दूसरा फोर्स इस सरफेस से भी लगेगा। तो 100 फिल्म के दोनों साइड वायर पी क्यू को पुल करने वाले हैं, 100 फिल्म के दोनों साइड इस वायर पी क्यू को पुल करने वाले हैं। तो इस तरफ से वायर पी क्यू को फोर्स कितना लगेगा, 10^12, यहां से फोर्स कितना लगेगा, 10^12, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू इज 2TL, इस 2TL। अभी समझ लो ये 2 कहां से आ गया, बिकॉज ये जो वायर पी क्यू है इस पे TL अमाउंट ऑफ फोर्स यहां से लग रहा है और इसी वायर पी क्यू पे TL अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा फ्रॉम दी अदर साइड, बिकॉज 100 फिल्म का जो दूसरा हिस्सा है ना इसके पीछे वो भी तो TL फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो TL फोर्स फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड TL फोर्स फ्रॉम द बैक साइड, दैट्स व्हाई टोटल फोर्स इज 2TL। तो वी कैन से फैक्टर 2 अराइजेस, है ना, फोर्स होता है TL, तो फैक्टर 2 अराइजेस बिकॉज 100 फिल्म हैज गॉट 2 सर्फेसेस। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1। तो इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर पी क्यू, इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर पी क्यू इज 2TL। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप टू में वायर पी क्यू को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एफ डैश के फॉर्म में। अभी हम लोग क्या करेंगे, वायर पी क्यू है ना, ये अपना वायर पी क्यू है, तो वायर पी क्यू को एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एफ डैश के फॉर्म में और ये एफ डैश होगा एग्जैक्टली इक्वल टू एफ एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एफ होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और एफ डैश होगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एफ डैश इस एफ के एग्जैक्टली इक्वल होगा और उसके अपोजिट में होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस एफ डैश ये वायर पी क्यू एक स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस होगा, बिकॉज ऑफ दिस एफ डैश ये जो वायर पी क्यू है ये एक स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस होके यहां पे आएगा। तो पी डैश क्यू डैश इज द न्यू पोजिशन ऑफ वायर पी क्यू, वायर पी क्यू को मैंने फोर्स एफ डैश अप्लाई किया एंड बिकॉज ऑफ दिस एफ डैश वायर पी क्यू इज डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल अमाउंट एंड लेट दैट अमाउंट बी डीएक्स। तो डीएक्स होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर पी क्यू, तो ये उसका न्यू पोजिशन होगा पी डैश क्यू डैश। बट अगर वायर पी क्यू यहां पे आ गया है तो 100 फिल्म का एरिया भी तो इंक्रीज हुआ है, अगर वायर पी क्यू यहां से यहां पे आ चुका है तो एरिया ऑफ द 100 फिल्म हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो व्हाट इज अ न्यू सरफेस एरिया ऑफ द 100 फिल्म, अभी 100 फिल्म इतने एरिया पे फॉर्म होगा, अभी 100 फिल्म कितने एरिया पे फॉर्म होगा, तो पहले 100 फिल्म इतने एरिया पे फॉर्म हुआ था, ए बी क्यू पी इतने ही एरिया पे फॉर्म हुआ था, बट अगर वायर पी क्यू यहां से यहां पे डिस्प्लेस हुआ है तो अभी 100 फिल्म इतने एरिया पे फॉर्म होगा, ये होगा न्यू एरिया ऑफ द 100 फिल्म। तो न्यू एरिया ऑफ द 100 फिल्म इज ए बी क्यू डैश पी डैश, न्यू एरिया ऑफ द 100 फिल्म इज ए बी क्यू डैश पी डैश, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द 100 फिल्म इज ए बी क्यू पी, ये था इनिशियल एरिया और ये हो गया फाइनल एरिया। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये होगा इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द 100 फिल्म, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायर पी क्यू दिस विल बी द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द 100 फिल्म।
तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस इज पी क्यू क्यू डैश पी डैश इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस इज पी क्यू क्यू डैश पी डैश और ये एरिया कितना होगा तो ये एक रेक्टेंगल है ये एक रेक्टेंगल है तो अगर मुझे इस एरिया को फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब एल इंटू डी एक्स तो ये एरिया कितना होगा एल इंटू डी एक्स दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ बट सो फ्रेम के तो दो साइड है इस सो फ्रेम के कितने सरफेस है दो तो एरिया विल इंक्रीज बाय दिस अमाउंट ट्वाइस बिकॉज एल इंटू डी एक्स यहां से इंक्रीज होगा और एल इंटू डी एक्स पीछे साइड से भी तो इंक्रीज होगा तो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस विल बी टू टाइम्स ऑफ एल इंटू डी एक्स बिकॉज एल डी एक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड एल डी एक्स फ्रॉम द बैक साइड सो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी टू टाइम्स ऑफ एल इंटू डी एक्स तो सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स तो अमाउंट ऑफ वर्क डन dW बाय द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स f डैश वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन का सिंबल dW अप्लाइड फोर्स इज f डैश और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायर PQ कितना है dx f डैश इज इक्वल टू f डैश इक्वल टू f है तो f डैश कितना होगा 2dL f डैश कितना होगा 2dL इनटू dx आफ्टर रीअरेंजमेंट इसको लिखेंगे t इनटू 2l dx t बाहर निकाला 2L dx and what is 2L dx it is a total increase in surface area L into dx is increase in surface area from one side so total increase in surface area from both the side is 2L dx so 2L dx ko replace karenge dA se where dA hoga total increase in surface area of the subframe hence dW work done dW is equal to surface tension इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया डी ए कैन बी इंक्रीज इन सरफेस एरिया और इट कैन बी डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑल्सो तो डी ए कैन बी चेंज इन सरफेस एरिया इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज तो ये भी फॉर्मूला हमको याद रखना है वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया dW इक्वल्स टू t इनटू dA सो अभी तक हमने यहां तक रिलेशन को डिराइव किया है रिलेशन था वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया dW इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई बाय dA तो वी कैन से सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू dW अपॉन dA dA को मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया तो सरफेस टेंशन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया सरफेस टेंशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया नाउ दिस वर्क डन इन डूइंग द सरफेस एरिया और इन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया वर्क डन To increase the surface area, this work done will be stored in the form of potential energy. ये जो work done होगा surface area को increase करने के लिए ये work done potential energy में store होगा तो we can say work done equals to potential energy. Let us call it by symbol PE. PE का मतलब potential energy. So formula होगा surface tension equals to potential energy upon increase in surface area. Surface tension equals to potential energy upon increase in surface area because work done equals to potential energy. Now, अगर ये surface area का increase unit होगा, unit का मतलब one. अगर ये surface area का increase unit होगा, unit का मतलब कितना one meter square. तो फिर potential energy becomes surface energy. SE का मतलब surface energy. And what is definition of surface energy? सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन क्या था इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया तो अगर सरफेस एरिया का इंक्रीज यूनिट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी के बराबर होगा तो वी कैन से सरफेस टेंशन इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल का मतलब इन मैग्नीट्यूड तो इन मैग्नीट्यूड सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी
in magnitude, surface tension equals to surface energy per unit increase in surface area का मतलब अगर सरफेस एरिया का इंक्रीज यूनिट होगा तो सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के बराबर होगा. ये होगा रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. तो इसमें हमको दो फॉर्मूले याद रखने हैं. एक तो हमने ये फॉर्मूला याद करना है, वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया. दूसरा फॉर्मूला हमको याद रखना है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस टेंशन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया. एंड न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी. अभी देखो सरफेस टेंशन के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए. Now we have got two formula of surface tension. By definition, surface tension is force per unit length. ये तो surface tension का definition था. Surface tension is force per unit length. अभी हमको एक और formula मिला, potential energy upon change in area. तो surface tension is potential energy upon change in surface area. तो T is F upon L या potential energy upon change in area. तो इस फॉर्मूला से सरफेस टेंशन का यूनिट था न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर तो सरफेस टेंशन का एक यूनिट न्यूटन पर मीटर है जो हमको इस फॉर्मूला से मिलेगा. और दूसरा यूनिट होगा इस फॉर्मूला से एनर्जी अपॉन एरिया का मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर. तो सरफेस टेंशन के दो यूनिट पॉसिबल है, न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर इस फॉर्मूला से, जूल पर मीटर स्क्वायर इस फॉर्मूला से. तो ये हो गया बच्चों डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी.